नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और आप देख रहे हैं देश प्रदेश का सबसे दमदार शो बात तो चुभेगी। वोट बैंक की बैलेंस शीट से ही हर सियासी दल का चुनावी कारोबार चलता है, इसलिए जब विरोधियों पर चुभने वाला हमला बोलना हो तो अक्सर इसे ही भुनाया जाता है। वोट बैंक को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। आज यूपी में कुछ ऐसा ही हुआ जब राज्य के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर बंधुआ अटैक कर दिया। दरअसल मौर्य ने सपा अध्यक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि अखिलेश जी यादव और मुस्लिम वोटरों को बंधुआ समझते हैं। आरोप के पीछे का मकसद साफ है कि भाजपा सपा के कोर वोट बैंक पर नजरें जमाए बैठी है। उसकी कोशिश यादव और मुस्लिम वोटों पर सपा की किलेबंदी को ध्वस्त करने की है। जाहिर है इस हमले से सपा तिलमिला गई, पार्टी के दिग्गजों ने सीधा पलटवार किया। इसके साथ ही बसपा के लिए भी एक तिलमिलाने वाली योजना सुर्खियों में है। मामला जाटव समाज का है जिसके बीच बैठ बढ़ाने के लिए आरएसएस ने बड़ी तैयारी की है। आज इन तमाम खबरों का मैं करूंगा पूरा विश्लेषण। उधर पश्चिमी यूपी की एक और खबर भी आज चर्चा में है जिसका वास्ता जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे से है। इसे लेकर भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम मेरठ से दिल्ली तक एक लंबी यात्रा निकालने वाले थे। दावा था कि 30 जून को शुरू होने वाली इस यात्रा में लाखों लोग शामिल होंगे, लेकिन अचानक इस कार्यक्रम पर ब्रेक लग गया। बताया जा रहा है कि संगीत सोम को भाजपा के आला नेताओं का फोन आया, उसके बाद उन्होंने अपने कार्यक्रम पर रोक लगाई। आखिर इसके पीछे कौन सी सियासी वजह है, इसकी हर खास बात मैं आपको बताऊंगा। बने रहे मेरे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। भाजपा की कोशिश विरोधियों की कमजोर नस को दबाने की है, इसलिए केशव प्रसाद मौर्य ने यादव और मुसलमानों का नाम लेकर अखिलेश यादव पर चूकने वाला तंज किया। इसके जरिए उन्होंने साफ संदेश दिया कि भाजपा का वोट बैंक बढ़ाओ अभियान किस दिशा में बढ़ने वाला है। केशव मौर्य ने यहां तक कह दिया कि यादव सबसे बड़े राष्ट्रवादी होते हैं। यह अखिलेश यादव के लिए साफ संकेत है कि भाजपा यादव वोटरों के बीच किस एजेंडे के साथ जाने वाली है। इसे सपा के लिए चुनौती की तरह देखा जा रहा है। अखिलेश पर भाजपा का बंधुआ अटैक। यादव मुस्लिम वोटरों की दुहाई, आर पार वाली लड़ाई। सपा के खिलाफ केशव मौर्य का वोट बैंक विस्फोट। अखिलेश यादव जी, आप यादवों की ओर की बात करते हो, यादव जितना जातिवादी होता है उतना ही राष्ट्रवादी भी होता है, और आज भारतीय जनता पार्टी के साथ बड़ी संख्या में आ रहा है। यूपी की चुनावी जंग में राष्ट्रवाद का दाम। सपा के खेमे से जवाबी पलटवार। भारतीय जनता पार्टी जनता के मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांटना चाहती है, और भारतीय जनता पार्टी के नेता जाति और धर्म में जनता को उलझा करके चुनाव में फिर से सत्ता में आना चाहते हैं। यादव मुस्लिम के नाम पर भाजपा की नई हुंकार। वोट युद्ध के घमासान में सीधी ललकार। चमेली की धरती से ही आह्वान करके अपील करके जाता हूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी ये पार्टियां अलग अलग लड़े और चाहे साथ में मिलकर के लड़े, इनका खाता नहीं खुलना चाहिए। सीधे निशाने पर अखिलेश की चाल। अखिलेश यादव से कहिएगा अपने गिरेबान में झांके, 17 से पहले उत्तर प्रदेश को अपराधियों का चरागाह बनाकर के छोड़ा था समाजवादी पार्टी ने। वोटर लिस्ट का यादव मुस्लिम पन्ना। भाजपा की नई चाल, अखिलेश हुए चौकन्ना।
बात तो चुभेगी। माहौल चुनावी हो तो नेता हर शब्द नाप तौल कर बोलते हैं, कई बार वो सिक्का उछालकर हवा का रुख भी भांपते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति बना रहे तमाम दल अभी इसी राह पर हैं। तभी तो भाजपा ने सपा पर यादव और मुस्लिम वोटरों को बंधुआ समझने का आरोप लगाया। दरअसल रामपुर से लेकर आजमगढ़ तक में सपा के किले को ध्वस्त कर भाजपा ने सपा को पहले से ही चुनौती दे रखी है कि यादव और मुस्लिम समीकरण को भी वो नाकाम कर सकती है। एक बार फिर पार्टी इस लाइन पर आक्रामक हो गई। सियासत में चुनावी का कहरे की शुरुआत क से नहीं व से होती है। व मतलब वोट बैंक। इसलिए 2024 की चुनावी बिसात बिछाए जाने से ठीक पहले भाजपा ने बोल दिया है सपा के वोट बैंक पर सीधा हमला। राज्य के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जिस अंदाज में अखिलेश यादव पर निशाना साधा, उसके चुभने वाले शब्द ये बताने को काफी हैं कि भाजपा ने यादव और मुस्लिम वोट बैंक पर किस कदर नजरें जमा रखी हैं। एक तरफ अखिलेश पर यादवों और मुसलमान वोटरों को बंधुआ समझने का आरोप और दूसरी ओर यादव समाज के वोटरों को राष्ट्रवादी बताने वाला बयान, कई इशारे एक साथ दे रहा है। ऐसी वजह से समाजवादी पार्टी भाजपा के इस इमोशनल अटैक से तिलमिला गई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के बढ़ते हुए जन आधार से भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है और अब जो है अनर्गल आरोप लगाने का काम कर रही है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के दमन, जुल्म, अन्याय और तानाशाही के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। अब अखिलेश पर बंधुआ अटैक वाले दांव के पीछे भाजपा की उस मंशा को समझिए जिसे पार्टी खुलकर जाहिर कर रही है। दावा है कि हर समाज के वोटर उसके साथ खड़े दिखेंगे और उनके दम पर ही यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों पर भाजपा जीत का परचम फहराएगी। 2024 में समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी हो जाएगी और उत्तर प्रदेश की जनता में जो उत्साह, कार्यकर्ता में जो उत्साह देख रहा हूं, माननीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसके आधार पर हम उत्तर प्रदेश की अगर 80 में से 80 सीटें जीते तो कोई आश्चर्य नहीं करिएगा, क्योंकि 2014 में जब यूपी में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, सपा की सरकार थी, तो हमारे कार्यकर्ताओं ने 73 सांसद जिताए थे। यूपी में यादव वोटर करीब 10% हैं। प्रदेश की कम से कम 10 लोकसभा सीटों पर इनकी तादाद निर्णायक है। इटावा, मैनपुरी, एटा, फिरोजाबाद, बदायूं, फैजाबाद, जौनपुर, संत कबीर नगर और बलिया से लेकर जौनपुर तक, यानी राज्य के तमाम हिस्सों में यादव समाज की असरदार मौजूदगी है। अगर इनके साथ 16% मुस्लिम वोटरों की तादाद को मिला दें तो सपा के कोर वोट बैंक का दायरा राज्य के 26% वोटरों तक पहुंचता है। यही वजह है कि वोट बैंक की सियासत का नया सुर आर पार का है। डिप्टी सीएम साहब ने ठीक बात कही है, यादव राष्ट्रवादी होते हैं। अखिलेश यादव को इस बात की गलतफहमी है कि वो उनके पीछे चलने वाले लोग हैं, ऐसा नहीं है। यादव हर समय जो है जहाँ भी आवश्यकता हुई देश की सेवा में सबसे अग्रणी भूमिका में खड़े रहा, और यादवों को अगर अखिलेश यादव को लगता है कि हमारे ही पीछे चलेंगे तो ऐसा नहीं है, यादव स्वाभिमानी है। अब तक भाजपा सपा पर जातिवादी और परिवारवादी राजनीति के चुभने वाले आरोप लगाती थी। हम मकान देने की बात करते हैं, ये लोग जाति की बात करते हैं। हम रोजगार की बात करते हैं, ये जाति की बात करते हैं। हम एक अन्नदाता किसान के खेत में पानी पहुंचाने की बात करते हैं, ये लोग जाति की बात करते हैं। हम किसान की उपज को दुगना दाम देने की बात करते हैं, ये लोग जाति की बात करते हैं। लेकिन अब भाजपा का सपा पर जातीय राजनीति को लेकर चुभने वाला हमला और आक्रामक हो गया है
और ये 2024 में इस मुद्दे पर होने वाले जबरदस्त घमासान का ट्रेलर माना जा रहा है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सपा को भाजपा की तरफ से यादव मुस्लिम वोट बैंक बचाने का चैलेंज दिया जा रहा है, तो बसपा को भी नई चुनौती देने की तैयारी है। पार्टी लंबे समय से बसपा के कोर वोटर माने जाने वाले जाटव समाज के बीच काम कर रही है। संगठन के स्तर पर उनका भरोसा जीतने की पहल लंबे समय से हो रही है। अब आरएसएस से जुड़ी एक खबर चर्चा में है। दरअसल संघ ने जाटव समाज के बीच बैठ बढ़ाने की योजना तैयार की है। भले ही संघ का दावा रहा हो कि ऐसे कार्यक्रमों का सियासत से कोई वास्ता नहीं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसके अपने लिहाज से मतलब निकाले जा रहे हैं। यूपी की आबादी में 21% हिस्सेदारी रखने वाले दलित वोटर को साधने के लिए हर सियासी दल बेचैन है, फिर चाहे वो बसपा हो, सपा हो या भाजपा। यूपी की राजनीति को समझने वाले ये अच्छी तरह जानते हैं कि 2014 के बाद से भाजपा ने बसपा के वोट बैंक में जबरदस्त सेंधमारी की है। इसी का नतीजा रहा कि अब तक जितने भी चुनाव हुए सभी में भाजपा का परचम लहराया और भाजपा अपनी इस ताकत को अब और विस्तार देने की रणनीति पर काम कर रही है। कोशिश ये है कि जो जाटव वोटर अभी भी पार्टी से दूर हैं, उन्हें करीब लाया जाए। संघ ने जाटव और आदिवासी जातियों में पैठ बढ़ाने के लिए नया कार्यक्रम शुरू किया है। दलित और पिछड़े वर्ग की जो जातियां मुख्य धारा से वंचित हैं, उन्हें प्रतिनिधित्व देने की योजना तैयार की गई है। लोकसभा चुनाव से पहले इसे संघ की बड़ी तैयारी के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि बीते कुछ दिनों से संघ सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी अभियान को लेकर काम कर रहा है। संघ एक राष्ट्रवादी है, राष्ट्रवादी भारतीय समाज के लिए काम करने वाला संगठन है, जो हमेशा राष्ट्र की चिंता करता है, राष्ट्र के समाज की चिंता करता है। तो राजनीति से मेरे ख्याल से संघ का कोई ज़्यादा कंसर्न नहीं होता। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ, भारतीय जनता पार्टी के मोर्चे अपने आप में इतने सशक्त हैं। दलित और आदिवासियों का भगवान और मसीहा बाबा अंबेडकर साहब थे, और उस परंपरा को आगे मान्यवर काशीराम जी ने बढ़ाया और कुमारी बहन मायावती जी ने बढ़ाया, और जो कुमारी बहन मायावती जी ने पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, अकलियतों के लिए और आदिवासियों के लिए किया, वो आज तक किसी ने नहीं किया। यूपी में जो 21% दलित वोटर हैं, उनमें से आधी आबादी जाटो समाज की मानी जाती है। यही वजह है कि संघ की नजर इस समाज पर है। कोशिश ये है कि संघ की शाखा या फिर दूसरे कार्यक्रमों के जरिए जाटो समाज को जोड़ा जाए। जाटो समाज के अलावा दलित समाज की दूसरी जातियों के बीच भी विस्तार की तैयारी हो रही है। संघ का जोर इस बात पर भी है कि जाटो समाज के लोगों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव न होने दिया जाए। वहीं आदिवासी जातियों में थारू, बोक्सा, कोल और भील के साथ वनटांगिया और मुसहर जाति के लोगों को भी जोड़ने की तैयारी है। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक ही चीज हैं, और ये जनता के मुख्य मुद्दों से जनता को भटकाने के लिए जातीय आधार की बात कर रहे हैं, जबकि हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि समाज के दलित, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक, इनको इनका हक, अधिकार, न्याय और सम्मान मिले। इसके लिए जातीय आधार पर जनगणना कराई जाए। जाटव और आदिवासी समाज को साथ लाने के लिए संघ ने इन जातियों के बहुल इलाके में सेवा कार्य के साथ ही सामाजिक समरसता जैसे अभियान भी शुरू किए हैं। यानी तैयारी पूरी है और मिशन के पूरा होने का इंतजार है। इस बीच केंद्रीय मंत्री और आरपीआई के अध्यक्ष रामदास आठवले ने भी यूपी की कुछ सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर दी है। दिसंबर में आठवले की बड़ी रैली होगी और भाजपा से सीट मांगी जाएगी। माननीय मायावती पर जो लोग नाराज है, या इसे दलित समूह के भी लोग आरपीआई के साथ आना चाहते हैं, तो अभी तो हमारी ताकत उतनी नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश है कि भाई दलित, मुस्लिम और ओबीसी सभी लोगों को साथ में लाने की हमारी कोशिश है। 17 दिसंबर 2023 को बड़ी सभा हमने रमाबाई मैदान में हमने रखी है, जिसमें 1,00,000 से ज़्यादा लोग आएंगे। तो ऐसा अगर हम प्रदर्शन करते हैं तो जरूर बीजेपी आरपीआई को साथ देने का विचार कर सकती है। जाटव या आदिवासी समाज को साथ जोड़ना एक दिन का काम नहीं,
इसमें कई महीने और कभी कभी कई साल लग जाते हैं, लेकिन पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए भाजपा या संघ को कहीं ना कहीं इस बात का एहसास है कि उनका ये मिशन 2024 तक जरूर कामयाब हो जाएगा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। भाजपा के खिलाफ विरोधी दलों के महागठबंधन के लिटमस टेस्ट की नई तारीख ज्यादा दूर नहीं। इस बीच पटना में विपक्षी दलों की 23 जून की बैठक को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। जेडीयू ने कहा है कि यूपी में उसने अखिलेश यादव और जयंत चौधरी को न्यौता दिया है, तो वहीं मायावती को लेकर जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने चुभने वाला तंज कर दिया है। उन्होंने कहा कि मायावती पहले भाजपा का पक्ष लेना छोड़े, तब उन्हें विपक्ष की बैठक में शामिल होने का न्यौता दिया जाए। लक्ष्य बड़ा है, तैयारी बड़ी है और मंच भी बड़ा सजने वाला है। 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में जब विपक्षी दलों की एकता का ट्रेलर रिलीज होगा, तो सियासत की गलियों में कई सवाल रफ्तार धरेंगे। सवालों का आकार बढ़े इससे पहले एकता की अगुवाई करने वाले जेडीयू की तरफ से एक नया दावा ठोका गया है। दावा है कि नीतीश की अगुवाई में जो बैठक होगी, उसमें उन प्रदेशों के वो सभी नेता मौजूद रहेंगे जिनकी सक्रियता भाजपा को 100 से कम सीटों पर रोकने में सक्षम है। विपक्षी एकता का निशाना देश भर की करीब 450 लोकसभा सीटों पर है। कांग्रेस पार्टी समेत एक दर्जन पार्टियों से गंभीर वार्ता के बाद सिर्फ और सिर्फ प्रारंभिक अवस्था में उन्हीं दलों को आमंत्रित किया गया है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध विपक्षी एकता के लिए अपने संकल्पों को और इरादों को स्पष्ट किया है, दोहराया है। माना जा रहा है कि 23 जून को ही लगभग लगभग सब कुछ तय हो जाएगा, क्योंकि इस बैठक में वो तमाम नेता भी एक साथ दिखाई देंगे जो अब तक एक साथ आने से बचते रहे हैं। बड़ी बात यह है कि बैठक में राहुल गांधी भी शामिल होने वाले हैं। उनकी मुलाकात अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल से भी होगी। इसके अलावा राहुल गांधी और ममता बनर्जी भी एक साथ नजर आएंगे। साथ में शरद पवार, उद्धव ठाकरे और हेमंत सोरेन जैसे नेता भी पहुंचने वाले हैं। एमके स्टालिन और जयंत चौधरी ने भी बैठक में पहुंचने की सहमति दे दी है। जो 23 तारीख को बैठक हो रही है, इसमें सारे नेता इसलिए आ रहे हैं कि एक संदेश चला जाए जनता को विश्वास का कि हम सब एक हैं और ये कोई किसी स्तर पे नहीं बल्कि ये सर्वोच्च स्तर पे हो रही है। लोग कहते थे अखिलेश जी नहीं आएंगे, जा रहे हैं। लोग कहते थे ममता जी नहीं आएंगे, जा रहे हैं। और लगभग सारा साउथ, तो हम बहुत करीब हैं उस फार्मूले के। डरे हुए हैं 24 को लेकर के, उसलिए अभी समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। और आप लोग सब लोग जान रहे हैं अभी कर्नाटका हारे, उससे पहले हिमाचल प्रदेश हारे, आने वाला छत्तीसगढ़ हारेंगे, राजस्थान हारेंगे, मध्य प्रदेश हारेंगे, हरियाणा हारेंगे, दिल्ली हारेंगे, झारखंड हारेंगे। अभी चिंता करिए बात। यानी पटना में सिर्फ बैठक भर नहीं होगी, पूरा का पूरा शक्ति प्रदर्शन होगा जिसका संदेश सीधा लोकसभा चुनाव तक दिखाई देगा। हालांकि विपक्षी एकता कितनी कारगर साबित होगी ये भी चुनाव के बाद साफ हो जाएगा। 2024 में समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी हो जाएगी और उत्तर प्रदेश की जनता में जो उत्साह, कार्यकर्ता में जो उत्साह देख रहा हूँ, माननीय मोदी जी आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसके आधार पर हम उत्तर प्रदेश की अगर 80 में से 80 सीटें जीते तो कोई आश्चर्य नहीं करिएगा। ये विपक्ष की इस प्रकार की बैठकें ये कोई नई बात नहीं है। 2019 का चुनाव जब आया था उससे पहले भी इसी प्रकार की बैठकें हो रही थी और ये सारे वो विपक्षी दल जिनकी विचारधारा मेल नहीं खाती है इसके बाद में भी इनका अभियान रहता है माननीय प्रधानमंत्री मोदी को रोकने का, मोदी रोको, लेकिन इनके रुकने से मोदी रुकने वाले नहीं है। अखिलेश बिहार में जाके कितना वोट बढ़ा देंगे या अखिलेश जाके तेलंगाना में क्या कर लेंगे, केजरीवाल आके उत्तर प्रदेश में क्या कर देंगे? देखो ये अपने अपने राज्यों तक सिमटे हुए लोग हैं, उनके हर राज्य में भाजपा इनसे लड़ रही है, तो ये सारे पहले भी इकट्ठे थे आज भी इकट्ठे, इसमें नया कुछ क्या है। विपक्षी एकता की बातें तो खूब हो रही हैं, लेकिन इस एकता के जमीन पर उतरने को लेकर अभी भी कई बड़े सवाल हैं। सवाल है कि क्या यूपी में कांग्रेस के साथ सपा का फिर से गठबंधन होगा, और अगर हो भी गया तो क्या बसपा का दूर रहना भारी नहीं पड़ेगा, क्योंकि मायावती पहले ही अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है।
और विपक्ष की इस मीटिंग में उन्हें न बुलाकर इस लड़ाई को और बड़ा बना दिया गया। मायावती जी एक बार नहीं कई अवसरों पर दोहरा चुकी हैं कि ऐसे किसी गठबंधन में आने की न उनकी इच्छा है न इरादा है। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध किसी ऐसे मोर्चे में आना चाहेंगी तो मोर्चे के नेता बैठ करके निर्णय लेंगे, कोई किसी को परहेज बसपा से नहीं है। बसपा को भले ही विपक्षी दल नजरअंदाज करे लेकिन मौजूदा समीकरण बताते हैं कि बसपा के पास अभी भी दूसरों का खेल बिगाड़ने की ताकत बची है। हमारे नेता ना इस तरह की चीजों पे सोचती हैं ना देखती हैं, हम केवल देखते हैं देश को और केवल देखते हैं देश हित को, और देश हित में जो काम होता है हम आगे बढ़ करके जाते हैं। बहुजन समाज पार्टी का जन आधार खत्म हो गया है, बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन गई है और बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए ऐसे कैंडिडेट खड़ा करती है जिससे भाजपा जीत जाए। 23 तारीख को पक्षी नेताओं की मीटिंग हो रही है, हम लोगों का ये उद्देश्य है कि 2024 में केंद्र में गैर भाजपाई सरकार बने। विपक्ष के जितने भी नेता 23 जून को पटना पहुंचने वाले हैं उनका दो लक्ष्य है, पहला भाजपा को हराया जाए और दूसरा उनकी पार्टी आने वाले चुनाव में सबसे ज्यादा सीट जीते, क्योंकि जो जितनी सीट जीतेगा प्रधानमंत्री की रेस में वही उतना आगे रहेगा। एबीपी गंगा के लिए दिल्ली से अविनाश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। यूपी में कांग्रेस ने अपनी जमीन मजबूत करने के लिए नया प्लान तैयार किया है। पार्टी अब भाजपा के खिलाफ पर्दाफाश अभियान चलाएगी, हर जिले में जनता से जुड़े बुनियादी मुद्दों पर प्रदर्शन होगा। पार्टी जनता के बीच जाकर उसे बताएगी कि भाजपा की सरकार ने कौन से वादे पूरे नहीं किए। इसे कार्यकर्ताओं को बूस्टर डोज देने की मुहिम बताया जा रहा है। वहीं कांग्रेस का फोकस दलित बस्तियों पर है, आने वाले दिनों में दलित बस्तियों की 3000 चाय की दुकानों पर कांग्रेस नया अभियान चलाएगी। यह अभियान 15 से 25 जून तक चलेगा। सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ी चुनौती और बीते चुनाव में सबसे खराब प्रदर्शन का रिकॉर्ड। 24 के चुनाव में अगर कांग्रेस को दिल्ली पर कब्जा करना है तो उत्तर प्रदेश की बंजर जमीन पर वोट के फूल किसी भी कीमत पर उगाने ही होंगे, पर सवाल है ये होगा कैसे। कांग्रेस जानती है कि अगर यूपी में अभी कुछ नहीं किया तो आने वाले दिनों में फिर से चुभने वाले नतीजे मिल सकते हैं। इसलिए पार्टी कभी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू करती है तो कभी जिले जिले में प्रदर्शन होते हैं। इस बीच कांग्रेस ने एक नया अभियान शुरू करने की तैयारी की है। भाजपा सरकार के खिलाफ कांग्रेस पर्दाफाश अभियान शुरू करेगी। अभियान के तहत भाजपा सरकार के खिलाफ हर जिले में प्रचार होगा, जनता से जुड़ी समस्याओं को लेकर आवाज बुलंद की जाएगी, गैस सब्सिडी और पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों पर विरोध होगा। पार्टी ने जिला और शहर कमेटियों को इस अभियान की जिम्मेदारी सौंपी है। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस जमीन पर मजबूत तैयारी में जुटी है। पार्टी कार्यकर्ता घर घर जाएंगे और भाजपा के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। भाजपा को पिछले साल कुछ राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों पर भी घेरा जाएगा। जहाँ तक डॉक्टर सीपी राय को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, ये लेखक हैं, चिंतक हैं, विचारक हैं और समाजवादी पार्टी को इन्होंने बहुत यत्न के साथ मुलायम सिंह जी के साथ मिलकर चलाया था, तो उनका जाना तो मैं मानता हूँ निसंदेह सपा के लिए एक क्षति होगी। लोकसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी ने 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाए हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में जाकर माहौल तैयार कर रहे हैं। नकुल दुबे गुरुवार को रायबरेली में थे जहां बछरावा विधानसभा क्षेत्र में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। माना जा रहा है कि रायबरेली को लेकर कांग्रेस के भीतर नए सिरे से तैयारी हो रही है जिसका ऐलान बहुत जल्द होने वाला है। जी आज हम लोगों ने रायबरेली जनपद के बछरावा विधानसभा में जगह जगह पर अपनी छोटी छोटी संगठन की बैठक लगाई है जी। और इस बैठक का मेन उद्देश्य संगठन की सुरक्षा, अपने साथियों को और अधिक संख्या में जोड़ना और कांग्रेस पार्टी को हर कीमत पर 2024 में यहाँ हमारी सांसद है आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, अब की बार उनको 2-3 गुना ज़्यादा वोटों जीता करके संसद में पहुँचाना और इस देश में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना। एक तरफ कांग्रेस की नई ब्रिगेड मोर्चा खोलकर तैयार है तो दूसरी तरफ पार्टी के ही कुछ बुजुर्ग नेता भविष्य की चिंता जता रहे हैं। हालांकि उन्हें जमीन पर वो तैयारी नजर नहीं आती जो एक जमाने में हुआ करती थी।
मेरा अपना तो विचार ये, मैं अपने आप को तो स्वयं सक्रिय रखता ही हूँ, लेकिन नेतृत्व को भी इस पर विचार करना चाहिए कि जो हमारे जैसे जो विभिन्न जनपदों में कांग्रेस की पहचान के रूप में रिकग्नाइज हैं और अवस्था भी उनकी कुछ बढ़ गई है, उनको भी निकालने का प्रयास करना चाहिए। और इस ओर विचार चल रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सब लोगों को पार्टी हित में काम करने के लिए कोई न कोई जिम्मेदारी जरूर दी जाएगी। कांग्रेस को अगर यूपी में कुछ बड़ा करना है तो इसकी रणनीति भी बड़े स्तर पर बनानी होगी, वरना नतीजे कुछ वैसे ही मिल सकते हैं जैसे पिछले कुछ चुनाव में मिलते रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बढ़ते आगे, कांग्रेस ने आज सपा को चौंका दिया, पार्टी ने अखिलेश यादव को डबल झटका दिया। एक दिन में पार्टी के दो दो नेता कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस के संक्रामक सेंधमारी अभियान ने सबको चौंका दिया। पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले उम्मीदवारों का चेहरा तलाश रही है, ऐसे में सपा के मजबूत नेताओं को अपने पाले में करना बड़ा दांव माना जा रहा है। कांग्रेस के लखनऊ मुख्यालय में गुरुवार को दिन भर हलचल रही। दूसरे दल से आए कुछ नेताओं ने पार्टी की सदस्यता ली। बड़ा संकेत ये था कि लोकसभा चुनाव की अग्नि परीक्षा को कांग्रेस कैसे पार करेगी, इसका फॉर्मूला भी सामने रखा गया। दरअसल कांग्रेस भी अब उसी राह पर आगे बढ़ गई है जिस राह से होते हुए भाजपा ने कई बार यूपी में जीत का कमल खिलाया। ये तरीका है सियासी सर्जिकल स्ट्राइक का, जिसका खामियाजा एक बार फिर सपा को ही भुगतना पड़ा है। कांग्रेस में दो बड़े नेता शामिल हुए हैं। सीतापुर के पूर्व विधायक राकेश राठौर सपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। मूल रूप से आजमगढ़ के निवासी सीपी राय भी सपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। सीपी राय 1987 से ही सपा से जुड़े रहे हैं। सपा सरकार में दो बार उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा मिला। सीपी राय को मुलायम सिंह यादव का बेहद करीबी माना जाता है। सीपी राय भी सपा के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। अक्टूबर 2022 में 2021 में मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। मैं यहाँ से आप सबके सहयोग से 24,890 लगभग 25,000 मतों से जीत के आया था। जितने लोगों ने मेरे साथ, जितने विधायकों ने पार्टी ज्वाइन की थी, समाजवादी पार्टी के सारे कैंडिडेट बनाए गए, सिर्फ एकमात्र मुझको छोड़ के। अब मुझको बड़ा आश्चर्य हुआ कि यदि आपको लड़ाना नहीं था और सबको लड़ाना था एक तरफ से, तो मेरे में क्या दोष था। कांग्रेस में शामिल होने वाले नेताओं की संख्या भले दो है, लेकिन कांग्रेस के हौसले आसमान पर हैं। कांग्रेस की तरफ से ट्वीट हुआ, भारत जोड़ो यात्रा और जननायक श्री राहुल गांधी जी के अनवरत संघर्ष और दूरदृष्टि से प्रभावित होकर प्रदेश मुख्यालय में पूर्व राज्य मंत्री व समाजवादी चिंतक सीपी राय जी और पूर्व भाजपा विधायक राकेश राठौर जी ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। देखिए, उत्तर प्रदेश में दो बातें एक साथ हो रही है। कांग्रेस अपनी जगह है, काफ़ी गिरावट पे पहुंच गई थी, अब मजबूत हो रही, पर वहीं आप देखें सापा बसपा में गिरावट है और तो कोई विकल्प नहीं, लोग कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं। जहाँ तक डॉक्टर सीपी राय को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, ये लेखक हैं, चिंतक हैं, विचारक हैं और समाजवादी पार्टी को इन्होंने बहुत यत्न के साथ मुलायम सिंह जी के साथ मिलकर चलाया था, तो उनका जाना तो मैं मानता हूँ निसंदेह सापा के लिए एक क्षति हुई। चर्चा है कि जिस राकेश राठौर को कांग्रेस में शामिल करवाया गया है उन्हें सीतापुर से लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है, हालांकि इसके औपचारिक ऐलान का इंतजार अब भी बाकी है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और बात गैंगस्टर संजीव जीवा की हत्या पर हो रही सियासत की। पिछले कुछ दिनों में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसे मुद्दा बनाकर विपक्ष यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। संजीव जीवा भले ही अपराधी था, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में उसकी हत्या के बाद से गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आज विपक्ष ने फिर से यूपी सरकार को घेरने की कोशिश की, जिस पर भाजपा की तरफ से चुभने वाला पलटवार हुआ। भाजपा के नेताओं ने जवाब में यूपी का पुराना वक्त याद दिलाया है। कोर्ट रूम के अंदर हुई हत्या को लेकर सियासत गर्म है। सवाल ये पूछा जा रहा है कि जब पुलिस की मौजूदगी में ही बदमाशों के भीतर डर नहीं, तो फिर बाकी जगहों पर क्या हाल होगा। समाजवादी पार्टी ने यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है।
इससे स्पष्ट हो गया है कि प्रदेश में गुंडा माफिया और जंगल राज कायम हो गया है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं, अपराधी भयमुक्त हो गए हैं, जनता भयभीत है। संजीव जीवा की हत्या के दौरान बदमाश विजय यादव ने इस कदर गोलियां चलाई थीं कि पूरे कोर्ट रूम में हड़कंप की स्थिति पैदा हो गई। एक गोली मासूम बच्ची को भी लगी, जबकि दो सिपाही भी घायल हो गए। सभी को लखनऊ के ही ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। सीएम योगी ने घायलों से मुलाकात की। अखिलेश यादव से कहिएगा अपने गिरेबान में छाके, 17 से पहले उत्तर प्रदेश को अपराधियों का चरागाह बना करके छोड़ा था समाजवादी पार्टी ने। 100 बिल चूहे खा के बिल्ली हज को चली वाली कहावत को चरितार समाजवादी पार्टी कर रही है। बिल्कुल नहीं जस्टिफाई कर रहा हूँ, सभी आपराधिक घटनाओं को गंभीरता से लेता हूँ और कड़ाई से कार्रवाई करूंगा। इसमें जो भी पर्दे के पीछे लोग होंगे उनको छोड़ेंगे नहीं, कड़ी कार्रवाई करेंगे। कोर्ट रूम में हत्या होने से शासन भी हैरान है। गृह विभाग ने सभी जिलों को आदेश दिया है कि अब कोई भी व्यक्ति हथियार लेकर कोर्ट में दाखिल नहीं होगा। गृह विभाग के आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाने पर भाजपा नेता पलटवार भी कर रहे हैं। अब देखो, अब विपक्ष कह रहा है कि मुख्यमंत्री आवास पे इसकी रचना रची गई, ऐसा उन्होंने कहा, अखिलेश जी ने, मुझे कोई बता रहा था। तो भाई अगर वो आप सवाल खड़े करोगे तो आपके ऊपर सवाल नहीं खड़े होंगे क्या? तो कुल मिलाकर अखिलेश जी आज उनके सामने अपने आप को बौना महसूस कर रहे हैं, तो हो क्या ये भी एक प्रश्न तो हो ही सकता है, क्या ऐसा तो नहीं कि अखिलेश जी उनकी छवि खराब कराना चाहते हैं तो इसलिए इस तरीके की घटना घटी? जब उस अपराधी का इतिहास आप उठाकर देखेंगे तो उसने इस प्रकार की दुश्मनी अगर पाली होंगी और जिस तरह का उन्होंने हश्र किया है जिन परिवारों का, उन परिवारों से पूछिए, तो जिस ऐसा रोने रोने वालों से ये पूछिए कि ऐसे अपराधी जब मारे जाते हैं तब जाकर के राग ये रोने का क्यों लापते हैं। विजय यादव पुलिस के गिरफ्त में है और इस सवाल का जवाब आना अभी बाकी है कि हत्या उसने अपनी मर्जी से की या फिर इसके पीछे कोई और है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो। वैसे तो लखनऊ की कोर्ट में कल हत्या हुई थी, लेकिन मामला इतना गंभीर है कि आज भी गहमा गहमी का माहौल बना रहा। कई बड़े अधिकारी लखनऊ के चेहरे में उस जगह पर पहुंचे जहां पुलिस की मौजूदगी में संजीव जीवा की हत्या की गई। पुलिस कस्टडी में हुए इस हत्याकांड में गोली मारने वाले विजय यादव को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उसके इतिहास को देखते हुए कहानी किसी दूसरी दिशा में घूमती हुई नजर आ रही है। इस घटना से पहले विजय यादव पर दो केस हुए थे। एक केस में वो लड़की भगाने के मामले में जेल गया था, जबकि दूसरा केस कोविड प्रोटोकॉल उल्लंघन का था। जाहिर है वो इतना बड़ा बदमाश नहीं है कि दिन दिहाड़े कोर्ट के भीतर किसी को मार सके। यही वजह है कि इस मामले का मास्टरमाइंड कोई और ही समझा जा रहा है और पुलिस इस बात की अब पूरी तफ्तीश कर रही है, क्योंकि कल जिस तरह से कोर्ट में, कोर्ट परिसर के भीतर संजीव जीवा, उसको ख्यात अपराधी की हत्या की गई, उसके बाद एक तरफ कोर्ट परिसरों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे थे, वकीलों ने अपनी सुरक्षा पर सवाल उठाए, लेकिन दूसरी तरफ यह भी एक बड़ा सवाल था कि आखिरकार संजीव जीवा की हत्या कौन करने वाला था। संजीव जीवा की हत्या जिस तरह से की गई वो भी अपने आप में चौंकाने वाला मामला है। लखनऊ की अदालत में जज के सामने लोगों की भीड़ के बीच संजीव जीवा को मारने का प्लान किसने बनाया, इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि इस सनसनीखेज हत्याकांड में अब पश्चिमी यूपी के बड़े बदमाश सुनील राठी का नाम भी जुड़ गया है। जीवा हत्याकांड में यूपी पुलिस सुनील राठी से पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। सुनील राठी इस वक्त हरिद्वार की जेल में बंद है। सुनील राठी और उसके गुर्गों की कुंडली खंगालने का काम तेजी से जारी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस हत्याकांड की कहानी पश्चिमी यूपी से जुड़ रही है। अब सुनील राठी से पूछताछ के बाद ही तस्वीर साफ होगी। पश्चिमी यूपी में चर्चा तेज हो गई है कि संजीव जीवा की हत्या का टास्क सुनील राठी गैंग को ही दिया गया था, क्योंकि मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद संजीव जीवा ही सुनील राठी के निशाने पर था। सूत्र बता रहे हैं कि पहले मुजफ्फरनगर कोर्ट में संजीव की हत्या का प्लान बना था। उसकी हत्या का प्लान सुनील राठी ने जेल से ही बना दिया था। सुनील राठी और संजीव जीवा की दुश्मनी के कई किस्से चर्चा में हैं। उत्तराखंड और पश्चिमी यूपी में साम्राज्य स्थापित करने को लेकर दोनों में झगड़ा था। यही वजह थी कि संजीव जीवा मुजफ्फरनगर में पेशी के लिए नहीं आना चाहता था।
जीवा अपने आका मुन्ना बजरंगी की जेल में हत्या से खौफ के साए में था। खबर यहां तक आ रही है कि लखनऊ में जो गोलीकांड हुआ उसमें सिर्फ विजय यादव ही नहीं बल्कि कुछ और लोग भी शामिल थे। अगर संजीव जीवा कोर्ट से भागने की कोशिश करता तो उस पर फायरिंग करने का प्लान था। संजीव के पहुंचने से काफी देर पहले ही विजय यादव वकील की भेष में कोर्ट रूम में जाकर बैठ गया था। विजय यादव के पूर्वांचल के बाहुबली से कनेक्शन भी सामने आ रहे हैं। एसआईटी की जांच का एक बिंदु ये भी है कि क्या विजय यादव जौनपुर में रहने के दौरान पूर्व बाहुबली सांसद के संपर्क में आया, चूंकि बाहुबली सांसद का मुंबई से भी कनेक्शन है, इसलिए माना जा रहा है कि जिस तरह से बागपत जेल में मुन्ना बजरंगी की हत्या कराई गई और उसमें पूर्व सांसद का नाम आया, इसी तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात अपराधी संजीव जीवा की हत्या में भी कहीं ना कहीं पूर्व सांसद का हाथ हो सकता है। इस मामले में कई कड़ियां एक साथ जुड़ रही हैं, क्योंकि जिस तरह अतीक और अशरफ को पुलिस के सामने मारा गया उसी तरह जीवा की हत्या भी पुलिस की मौजूदगी में थी। दोनों हत्याकांड में नई उम्र के शूटर शामिल थे। दोनों ही हत्याकांड में शूटरों के पास विदेशी असलहे थे, यानी जिगाना पिस्टल और मैग्नम अल्फा रिवॉल्वर। दोनों हत्याकांड एक ही तरीके से हुए, भीड़ भरी जगह पर पुलिस कस्टडी के बीच में दोनों को मारा गया। हत्या के बाद शूटरों ने आसानी से गिरफ्तारी भी दे दी। सबसे खास बात यह है कि अतीक और अशरफ की हत्या में शूटर पत्रकार बनकर गए थे, जबकि कुख्यात संजीव जीवा की हत्या के लिए शूटर ने वकील का वेश धरा था। विजय यादव पूरी तैयारी के साथ कोर्ट रूम में दाखिल हुआ था। कोई शक न करे इसके लिए जेब में पेन लगाने के साथ साथ हाथ में फाइल भी ले रखी थी और मौका मिलते ही कोर्ट से रिवॉल्वर निकालकर उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। विजय ने बिल्कुल शार्प शूटर की तरह जीवा की हत्या की। इस हत्याकांड के बाद से कोर्ट में जबरदस्त बवाल है। तमाम और लिंक सामने आएंगे, ये पता चलेगा कि आखिर विजय यादव को गाड़ी किसने दी, क्या वो उसकी खुद की गाड़ी थी या किसी ने उसको गाड़ी मुहैया कराई है। उस गाड़ी के नंबर के आधार पर, रजिस्ट्रेशन के आधार पर पुलिस उसके मालिक तक पहुंचेगी और उसके बाद तमाम और जानकारियां सामने आएंगी। सवाल ये है कि क्या अतीक और अशरफ की हत्या के बाद भी पुलिस ने कोई सीख नहीं ली, क्योंकि अब वो तस्वीर भी सामने आ गई है जब जीवा को पेशी के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाकर ले जाया जाता था, लेकिन इस बार पुलिस बिल्कुल बेफिक्र थी। वहीं संजीव जीवा की हत्या के बाद पूर्वांचल में गैंग वॉर की आशंका जताई जाने लगी है। देखिए, इस हत्या के पीछे कोई ना कोई तो होगा, क्योंकि 20-22 साल का लड़का अगर गोली चलाता है तो उसका कोई मकसद तो होगा नहीं। कोई ना कोई ऐसा बड़ा माफिया, कोई बड़ा ऐसा अपराधी होगा जिसके काम में जीवा को अड़चन आती होगी, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ऐसा कोई मामला होगा जिसमें किसी माफिया को दिक्कत आ रही होगी। तो इस लड़के जो पकड़ा गया है यादव, उसके पीछे कोई ना कोई होगा और ये पुलिस पूछताछ में पता लगा सकती है। इस बीच संजीव जीवा की गोलियों से भूनकर हत्या करने वाले विजय यादव की वो तस्वीरें भी सामने आई हैं जब वकीलों ने कोर्ट के भीतर ही उसकी पिटाई कर दी थी और बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट। पश्चिमी यूपी से आज बड़ी खबर आई। भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम ने जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे पर निकाली जाने वाली अपनी बड़ी यात्रा पर अचानक ब्रेक लगा दिया। यह यात्रा 30 जून को मेरठ से शुरू होकर दिल्ली कूच करने वाली थी, लेकिन भाजपा आलाकमान की तरफ से फोन आने के बाद संगीत सोम ने इसे स्थगित करने का ऐलान कर दिया। संगीत सोम की दलील है कि पार्टी की तरफ से उन्हें बताया गया है कि समय ऐसी यात्रा के अनुकूल नहीं है। वहीं पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा ने ऐसी कोई यात्रा तय नहीं की थी, संगीत सोम की निजी पहल। जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे पर सियासी माहौल गर्माने की भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम की मुहिम फिलहाल टल गई है। 30 जून को मेरठ से बड़ी लंबी रैली लेकर दिल्ली तक दस्तक देने की तैयारी अभी थम गई है, ऐसा भाजपा के आला कमान के निर्देश पर हुआ है। मेरे हाई कमान ने मुझसे कहा कि संगीत जी, विषय नो डाउट बहुत अच्छा है, होना चाहिए, ये जन जागरण होना चाहिए, लेकिन अभी समय थोड़ा सा अनुकूल नहीं, क्योंकि पश्चिम में कुछ लोग जातियों को लड़ा के आग लगाने का काम कर रहे हैं। हमें वो आग बुझानी है, हमें उस आग को बुझा के इन परिवारों को मिलाना है। मेरठ के सरधना के पूर्व विधायक संगीत सोम ने 30 जून को जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे पर जन जागरण यात्रा निकालने का ऐलान किया था। ये यात्रा मेरठ से चलकर दिल्ली के जंतर मंतर पर खत्म होने वाली थी। 100 किलोमीटर लंबी यात्रा का रूट भी तैयार कर लिया गया था। संगीत सोम का दावा है
कि इसमें 2 लाख लोग शामिल होने वाले थे, हजारों गाड़ियां जाने वाली थीं, लेकिन ऐन वक्त पर अचानक इसे रोकने का ऐलान कर दिया। हमें जातीय दंगे, जातीय झगड़े नहीं होने देने हैं, इसलिए अभी इस यात्रा को कुछ समय के लिए स्थगित किया जाए। हमने बंद नहीं किया, हमने स्थगित कुछ समय के लिए किया। मैं अपने उन देवतुल्य कार्यकर्ता साथियों से, अपने साथियों से हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूं। मैं जानता हूं आप 1 हफ्ते से कितनी मेहनत कर रहे हैं, आपको कष्ट भी होगा ये सुनकर। खुद संगीत सोम कह रहे हैं कि उन्होंने पार्टी आला कमान के निर्देश पर यात्रा स्थगित की है, लेकिन ये सुन लेना भी जरूरी है कि पार्टी के संगठन के दिग्गज क्या कह रहे हैं। उनकी नजर में संगीत सोम का ये निजी एजेंडा था, पार्टी ने ये कार्यक्रम तय नहीं किया था। संगीत सोम जी हमारे माननीय पूर्व विधायक हैं और वो क्या कर रहे हैं मुझे इसकी जानकारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो भी एजेंडा है, हम उस नाते पार्टी के एजेंडे पे काम करने वाले लोग। सूत्रों की माने तो संगीत सोम ने अचानक। और अब बात गाजियाबाद की उस खबर की जिसमें हर रोज चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। धर्म परिवर्तन गैंग के शिकार नाबालिग बच्चों से पूछताछ में जो जानकारी निकलकर सामने आई है वो बेहद चुभने वाली है। इस मामले में मुख्य आरोपी शाहनवाज और बद्दो के मोबाइल फोन से कई अहम सबूत सामने आए हैं। इस मामले में पुलिस का कहना है कि आरोपी शाहनवाज बद्दो धर्मांतरण का शिकार हुए बच्चों को फ्लाइट से दुबई ले जाने की तैयारी कर रहा था। पुलिस को ग्रुप चैट से ये जानकारी हासिल हुई। गाजियाबाद में हुए धर्मांतरण के मामले में हर रोज नया खुलासा हो रहा है। अब नाबालिग और गिरफ्तार आरोपी नन्नी के बीच की कुछ चैट सामने आई हैं, जो बेहद चौंकाने वाली हैं। इस चैट में नाबालिग और गिरफ्तार मस्जिद के मौलवी अब्दुल रहमान उर्फ नन्नी के बीच की बातचीत भी है, जिसमें वो बच्चे से तरावीह की नमाज पढ़ने के बारे में पूछता है। वहीं नाबालिग भी कई दिनों तक लगातार नमाज के लिए मस्जिद में जगह होने के बारे में पूछता है। इन चैट्स में कुछ दूसरे नंबरों पर भी नाबालिग को दुआ पढ़ने और उसके फायदे के बारे में समझाया जा रहा है। बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है इस देश में कट्टरपंथियों के द्वारा इस देश की जनसंख्या को भविष्य में प्रभावित करने का। पाकिस्तान में इनकी ताकत थी, पाकिस्तान में इनकी ताकत है, सत्ता है, तो उन्होंने 27% आबादी जो आज़ादी के समय हुआ करती थी, आज मात्र 1.5-2% रह गई है। उनको समाप्त कर दिया, मैंने पाकिस्तान में बल से समाप्त कर दिया, अब हिंदुस्तान में छल से समाप्त करने के लिए लगे हुए हैं। तो तमाम प्रकार से लव जेहाद, गेम जेहाद, लैंड जेहाद, ये पता नहीं किस किस प्रकार से ये लोगों को धर्मांतरित करने में जुटे हुए हैं, लेकिन ये शायद भूल गए हैं कि अब ये सरकार कोई इनके पक्ष की सरकारें नहीं है, सपा की सरकार नहीं है। इस चैट ने जिहाद की इंटरनेशनल साजिश की पोल खोल दी है, ऑनलाइन गेम के खेल का खुलासा कर दिया है। जरा इस चैट को पढ़िए, इसमें लिखा है, भाई मेरे सबसे बड़ा गुनाह है नमाज को छोड़ना, नमाज छोड़ना तुम्हें गैर मुस्लिम बनाता है, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। एबीपी गंगा के पास धर्मांतरण से जुड़े इस चैट का एक्सक्लूसिव वीडियो है। शाहनवाज उर्फ बद्दो की व्हाट्सएप चैट में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो धर्मांतरण के लिए दबाव बना रहा था। इसी चैट में आगे लिखा है, कुरान पर सहाबा की स्टोरीज पर कुछ कर ले, तेरे को शर्म तो आनी चाहिए, अगर थोड़ा सा भी ईमान है तो कुरान को पढ़ लो। इस चैट के सामने आने के बाद से पुलिस ने शाहनवाज और बद्दो की तलाश तेज कर दी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब तक कितने बच्चों को इस तरह से बरगलाया जा चुका है और कितने बच्चों का धर्म परिवर्तन कराया जा चुका है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बहरहाल बात तो चुभेगी, मैं आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।